वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले वाला था, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट का। जिस किसी ने नहीं देखा है पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि भाई टेक्निकली तो हमने स्टॉक को चूज कर लिया, हमने 50-60 स्टॉक की लिस्ट ले ली है। भाई ये 50-60 स्टॉक टेक्निकली हमें ओके लगते हैं कि भाई इनमें से परचेज कर सकते हैं टेक्निकली। अब फंडामेंटली हमें से फिल्टर कैसे करना है इन स्टॉक्स को, तो इसके लिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपने देख लिया भाई ये 50-60 स्टॉक्स थे आपके ये वाले। अब इसके अंदर आपको एक चीज और सर्च करनी है, एक वेबसाइट खोलेंगे हम जिसका नाम है मार्केट मोजो। मैंने इस साइट को देखा था, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था जब मैंने पहली बार देखा। यार हमारा काम बहुत आसान हो गया है, हमें किसी बैलेंस शीट को देखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मेरा छोटा ब्रदर सीए है, अगर मुझे कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए लेना होता है तो मैं उससे बैलेंस शीट दिखवा देता हूँ। एक बार भाई तू देख ले बैलेंस शीट, तो वो मुझे एक आइडिया दे देता है। अब आपके घर में सीए हो या ना हो, कोई अकाउंटेंट जानकार हो या ना हो, आप इस वेबसाइट को खोल करके आप एक एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं फंडामेंटली कि स्टॉक में कितनी पावर है। आप marketmozo.com पे जाएंगे, आपको इस तरीके की वेबसाइट खुली हुई दिखेगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्च करना है, सपोज ये हमारा पहला स्टॉक था 200 ब्रेकआउट का, सेलेक्ट एनर्जी, इसको कॉपी करिए या डायरेक्ट आप टाइप भी कर सकते हैं। और इसको हम देखते हैं भाई स्टॉक का फंडामेंटल क्या है। इसके अंदर ऊपर जैसे ही आप स्टॉक को डालेंगे तीन चीजें हमें चाहिए होती है। क्वालिटी, सबसे पहली क्वालिटी ये बता रहा है भाई अच्छी है, गुड है। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, अंडर वैल्यूड मतलब एक ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है, एक अच्छा है, अट्रैक्टिव है। आप इसको अट्रैक्शन के साथ खरीद सकते हैं, अच्छे रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। प्लस फाइनेंशियल ट्रेंड क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो और क्या चाहिए स्टॉक के अंदर, टेक्निकली हमने देख लिया, फंडामेंटली देख लिया, तो दोनों चीजें हमें ओके मिल रही है। इतना ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको नेटवर्थ, डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी, क्वालिटी, प्लस ये अपनी एक रैंक भी देता है। आप देख सकते हैं ये एक रैंक देगा, प्लस इस इंडस्ट्री के जो भी स्टॉक्स है उसका भी आपको एक कंपैरिजन करा के दिखाएगा। आप ये देखिए एक बार, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव बिलो 422 एंड फेयर अबोव 425, तो अट्रैक्शन के पास ही है, मजे से खरीद सकते हैं इसको। कुछ समय, कुछ महीने के लिए, एक साल दो साल के लिए आप इसको रख सकते हैं, या 200 की जो लाइन है उसके नीचे ब्रेकआउट होने तक का भी इंतजार कर सकते हैं आप, जो चाहे कर सकते हैं आप। काफी लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो काफी लंबे टाइम तक भी रख सकते हैं। नेट सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, PBDIT, इंटरेस्ट, एक्सपेंशनल आइटम्स, नेट प्रॉफिट, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अच्छे से जो सीए की लाइन के नहीं है, अकाउंटिंग की लाइन के नहीं है, उनको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इन चीजों को। अगर थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे तो अच्छे से समझ भी आएगा, प्लस हम इसके ऊपर एक वीडियो भी आपको बना देंगे, अच्छे से आपको और भी समझ आ जाएगा। अगर ये फाइनेंशियल टर्म आपको समझनी है, फंडामेंटल टर्म समझनी है, सॉरी। आप ये देखिए इसके अंदर आपको दिखाया हुआ है कि इस इंडस्ट्री की जो कंपनी है उनके अंदर भी आप देख सकते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर ये जो थ्री डॉट्स है ये ग्रीन नहीं है। आप देख लिए हनीवेल ऑटोमेशन वैसे एक्सीलेंट है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है स्टॉक की, लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन है बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब ओवर वैल्यूड स्टॉक है, तो खरीदना बेवकूफ़ी है। हमें पता है स्टॉक अच्छा है, एक चीज़ अच्छी है। अब हमें पता है कि मान लेते हैं चलो एयरटेल की सिम अच्छी है, एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है, लेकिन एयरटेल वाला कहता है कि भाई मैं एक सिम आपको 5,000 रुपये की दूंगा और मेरा कॉल रेट रहेगा 3 रुपये 4 रुपये। वो बात ठीक है कि हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से होगी और काफी अच्छे से हम उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन ओवर वैल्यूड हो गया यार, इतना एक्सपेंसिव कौन देगा। तो ये चीज है स्टॉक के अंदर, मेरा सिंपल तरीका था समझाने का आपको। तो आपको टेक्निकली भी पता लग गया स्टॉक अच्छा है, आपको फंडामेंटली भी पता लग गया स्टॉक अच्छा है,
दोनों चीज आपने कंफर्मेशन कर ली, ट्रेंड का आपको पता लग गया, फाइनेंशियल ट्रेंड मतलब फंडामेंटल ट्रेंड का आपको पता लग गया। अब आपके पास पूरी कंफर्मेशन है भाई, इस स्टॉक को कुछ समय, कुछ साल या ज्यादा टाइम के लिए भी आप इसको होल्ड पे रख सकते हैं और एक अपना पोर्टफोलियो के अंदर आप इसको रख सकते हैं स्टॉक को, राइट। तो ये काफी आसान कर देती है मार्केट मोजो, हमारा काम बहुत आसान कर देती है फंडामेंटली, किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। इनके जो काम कर रहे हैं काबिले तारीफ है, जो भी इनको ऑपरेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब एक और स्टॉक हम देख लेते हैं भाई, पैनेसिया बायोटेक के लिए ये साइड क्या बताती है भाई, ये साइड क्या कह रही है कि इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। टेक्निकली तो भाई ये कहता है हमें परचेज करना चाहिए स्टॉक को, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए क्वालिटी बता रहा है एवरेज है, वैल्यूएशन बता रहा है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और फाइनेंशियल ट्रेंड बता रहा है वेरी नेगेटिव। तो आपको तीन चीजें ऊपर वाली देखने से ही पता लग गया भाई, हमें नमस्ते करने से स्टॉक को, इस स्टॉक को नहीं खरीदना है। दूसरा स्टॉक, तीसरा स्टॉक देखना चाहे देख सकते हैं, तीसरा स्टॉक देखिए, क्वालिटी डज नॉट क्वालिफाई है, क्वालिफाई ही दिखाई नहीं रहा क्वालिटी इसकी, वैल्यूएशन दिखा रहा है वेरी रिस्की, बहुत ही रिस्की है, फाइनेंशियल ट्रेंड दिखा रहा है नेगेटिव है। आपको डाला आपने पता लग गया भाई फंडामेंटली स्टॉक अच्छा नहीं है, हमें नहीं खरीदना है। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई टेक्निकली एंड फंडामेंटली आप इजी तरीके, सबसे इजी तरीका है, सबसे शॉर्ट तरीका है ये जजमेंट का। अगर आपको बैलेंस शीट देखनी आती है और अच्छी तरीके से मार्क के कंपनी की बैलेंस शीट को देख के आप जज कर सकते हो, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन एक आम इंसान जो नहीं पता जिसको, तो वो इस तरीके से आप अपना स्टॉक परचेज कर सकते हो और उसके लिए आप टेंशन फ्री रह सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हो, म्यूचुअल फंड में ना क्या होता है कि एक पोर्टफोलियो उनका खुद का, उन्होंने खुद के चूज करके उन्होंने एक वैल्यू आपको दे दी, भाई ये बढ़ रही है डाउन हो रही है, तो वो जो एडवेंचर होता है बढ़ने का डाउन होने का जो मजा होता है, वो मजा हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं। हमारा खुद का बनाया हुआ पोर्टफोलियो, हम कहते हैं यार हमने खुद चूज करे थे स्टॉक, और खुद स्टॉक को चूज करके हमने ये सारी चीजें इतना अचीव करा है, इतना मेरा स्टॉक बढ़ा है, ये मैंने देखा था स्टॉक को, तो उस चीज का मजा ही अपना होता है, उसमें आनंद ही अपना अलग आता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप और भी देखेंगे, मैं आपको चार पांच और भी दिखा देता हूँ भाई। एक पहला स्टॉक तो हमें मिल गया, फंडामेंटली भी ठीक था, टेक्निकली भी ठीक था, उसको तो हम परचेज कर सकते हैं। अब ये भी देखिए क्वालिटी एवरेज बता रहा है, वैल्यूएशन रिस्की है और ट्रेंड फ्लैट बता रहा है। चलिए ठीक है, सल्ला परफॉर्मेंस को देख लेते हैं, साइड इसके बारे में क्या कहती है। क्वालिटी अच्छी है स्टॉक की, वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव है और ट्रेंड फ्लैट है। तीनों हमें जो ये दिख रहे इंडिकेशन दिख रहे हैं, हमें ग्रीन चाहिए, तीनों ग्रीन चाहिए। और टेक्निकली तो आपको पता है 200 के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, तो ये चीजें जब मिलेगी तो आप स्टॉक को आंख मीच करके कहते हैं ना कि बिना कुछ सोचे समझे खरीद सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, सारे पैसे नहीं लगाने एक स्टॉक में, एक इंडस्ट्री में, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अगर एक बैंकिंग स्टॉक खरीदा हुआ है आपने, तो जो दूसरा स्टॉक आप खरीद रहे हो, तो कोशिश ये करो कि डिवाइड करो पोर्टफोलियो को, सेक्टर्स अपने चेंज कर दो। स्टॉक की क्वालिटी तो आपने चलो देखी हुई, लेकिन सेक्टर्स और अपना जो एक पोर्टफोलियो है उसको अच्छी तरीके से बना करके चले। क्वालिटी एवरेज है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, इसको स्टॉक को परचेज किया भी जा सकता है, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी हो जाती तो और अच्छी कंफर्मेशन होती। इतना बेकार स्टॉक नहीं है, स्टॉक बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है, लेकिन फिर भी हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए, हमें बेटर से बेटर चाहिए, हम क्यों अपना पैसा रिस्क में छोड़े, राइट। और देख लेते हैं नीचे का कोई, देख लेते हैं, चलिए ये देख लेते हैं, प्रभात डेयरी देख लेते हैं भाई, ये क्या कहती है।
ये बहुत फ्लक्चुएट करता है स्टॉक में, काफी टाइम से इसको देख रहा था। ये भाई साइट पे अवेलेबल नहीं है, साइट नहीं बता रही इनके बारे में, शायद लिमिटेड बताएगी। राइट, क्वालिटी नहीं बता रही है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, फाइनेंशियल ट्रेंड भी फ्लैट ही दिखा रहा है। और देख लेते हैं हम नीचे, एक HD मीडिया का शायद मैंने स्टॉक देखा था, वो देखते हैं एक बार। क्वालिटी गुड है, वैल्यूएशन फेयर है, फाइनेंशियल ट्रेंड नेगेटिव दिखा रहा है। तो इतने सारे स्टॉक हमने देखे, उसमें से हमें जो पहला स्टॉक हमने देखा था वही हमें परफेक्ट लगा था। तो 4 जो 5 हजार स्टॉक्स थे, फिल्ट्रेशन हो गई, चूज कर सकते हैं आप आसानी से और उसको बाय कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, और जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।